तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई साहब, बेसिकली आज मैं जिस जगह पर आया हूँ, मतलब आपको दिखाने वाला हूँ, तो शायद ही आपने इससे पहले ये जगह देखी हो, और हो भी सकता है देखी हो। तो भारत यानी कि भोपाल की शान और भोपाल की पहचान और भारत की शान, जी हाँ, ताजुल मस्जिद। आपने बिल्कुल सही सुना, आज मैं ताजुल मस्जिद देखने आया हूँ। तो बने रहिए अंत तक और अभी लाइक कर दीजिए। तो ऊपर है मुख्य गेट अंदर जाने के लिए, और ये कुछ बाहर है, अभी हम अंदर चलते हैं। और काफ़ी बड़ा ग्राउंड है इस मस्जिद का, और यहाँ पे एक छोटा सा पार्क है, ये कुछ मेंशन है यहाँ पे। तो चलिए अंदर चलकर देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे, पता नहीं क्या बना है। और भाई साहब, मस्जिद की जो बनावट है ना, जो कारीगरी की गई है, वो अद्वितीय है। यहाँ पे एक मेन गेट है, यहाँ से तो शायद ही अंदर जा सकते हैं। मस्जिद की काफ़ी अच्छी मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद है, और ये इंडिया की नहीं बल्कि एशिया की भी सबसे बड़ी मस्जिद है। तो यहाँ पे सूच निकाल लेते हैं। थोड़ा इसके इतिहास के बारे में बात कर ली जाए, भोपाल में स्थित यह मस्जिद भारत की सबसे विशाल मस्जिदों में से एक है। गुलाबी रंग की इस मस्जिद की दो सफ़ेद गुंबदनुमा मीनारें हैं, जो देखने में काफ़ी सुंदर लगती हैं, जिन्हें यानी कि इस मस्जिद को अब एज ए मदरसे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस मस्जिद का निर्माण कार्य भोपाल के 8वें शासक ज्योति कौन शाहजहाँ बेगम के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था, लेकिन कुछ आर्थिक परेशानी के कारण कार्य पूरा नहीं हो सका, लेकिन 1971 में ये पूरी तरह से बनकर तैयार हुई। और इसकी जो वास्तुकला है वो मुग़ल काल से प्रेरित है, और अंदर से कुछ इस प्रकार की दिखती है ये मस्जिद, तो बहुत ही अच्छा लगता है अंदर से भी। एकदम अद्वितीय कलाकृति की गई है इस पर, पत्थरों पर, और ये कुछ ऐसा सीन आ रहा है अंदर से। ये इसका बाहरी जो मेन गेट है वो है, ये कुछ काफ़ी बड़ा है ये, और कुछ इस प्रकार से ये पत्थर के बीच में, मतलब पत्थर को काटकर कलाकारी की गई है, जो एक बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे हर चीज़ पत्थर पर निर्मित की गई है, पत्थर की हर डिज़ाइन, यानी कि पत्थर पर ही हर डिज़ाइन, या कह सकते हैं कि पत्थर पर ही हर एक डिज़ाइन बनाई गई है। तो ये और बड़ी बात है, क्योंकि उस समय, यानी कि उस समय इस प्रकार की कलाकृति करना आसान बात नहीं होती थी, और कुछ अंदर से इस प्रकार का दिखता है, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है। और ये गुंबदनुमा उसका मीनार है, और ये गेट का दृश्य। ये मस्जिद का बाहरी यानी कि जो गुंबद मीनार है उसका एक साइड का दृश्य है, मान सकते हैं इसकी ऊंचाई। और ये है मदरसा, यानी कि जो मदरसे बने हैं। क्या है कि ये है इसका सामने का द्वार, और ये यहाँ से दिखती है ताजुल मस्जिद। ये है इसका मुख्य द्वार, यानी कि यहीं से पहले प्रवेश होता हुआ, लेकिन ये बंद है। और ये यहाँ से दिखती है पूरी की पूरी ताजुल मस्जिद एक ही बार में। यहाँ पे दो मीनार हैं, और भाई साहब अभी इसका प्रयोग मदरसे के रूप में किया जाता है। यहाँ पे ये मदरसे बनी हैं, बहुत बड़ी मस्जिद है, एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, भारत की, एमपी की, भोपाल की, भोपाल की तो शान है। तालाब, बीच में एक तालाब भी है, देखते हैं तालाब के पास जाने, मतलब देखते हैं तालाब के पास चलते हैं। इसमें अभी पानी भरा नहीं है, और यहाँ पे भी एक तालाब, इसमें पानी भरा है। क्या ही कहें इस मस्जिद के बारे में, ये तो एशिया की सबसे सुंदर और भोपाल की शान और भारत की पहचान, यानी कि एम कह सकते हैं कि भोपाल की पहचान है और भारत की शान है। तो मज़ा ही आ गया मस्जिद को देख के। ये तो इसका केवल बाहरी, मतलब बाहर अंदर का है, जो अंदर का है। अभी अपन बाहर भी चलते हैं, सब कुछ घूमते हैं। मस्जिद पूरी तरह से पत्थर से ही बनी है। वहाँ पर इसके दो मीनार हैं ना, ये इनका क्या ही कहें भाई साहब, करीब पता नहीं कितने मंजिला होंगे, वैसे तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। अभी यहाँ पे ये पीछे भी है, तो पता नहीं पीछे जाने का रास्ता कहाँ से है। अब यहाँ पे ये फर्श है ना, पत्थर का है, तो इसकी वजह से पैरों में जलन हो, मतलब जल रहा है, धूप पड़ रही है सबसे ज़्यादा। और पेड़ भी है यहाँ पे बीच में,
आम का पेड़ है। और भाई साहब क्या ही कहें, मतलब इसकी तारीफ करना मतलब कम शब्द है तारीफ़ करने के लिए। बाकी फ़िलहाल आप देख लीजिए, अच्छा लगे तो अभी लाइक करते जाना। और ये इसके दो गुम्बद हैं और एक बीच में गुम्बद है, उसके ऊपर भी गुम्बद है। इसका स्ट्रक्चर यानी कि जो संरचना है वो बेहतरीन है, इसकी वास्तुकला भी एकदम अद्वितीय है। फ़िलहाल तो यही है मस्जिद, यहीं पर नमाज पढ़ी जाती है। और ये इसका मुख्य गेट है यानी कि मुख्य द्वार, तो देखिए कितना बड़ा है। और ये छोटे छोटे और द्वार भी हैं, संपूर्ण कलाकारी पत्थर पर ही की गई है। मेरे आप पीछे देख सकते हैं मस्जिद, मतलब कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो भाई साहब क्या ही कहें, मतलब ये देखिए गाइस, ये है एशिया की, भारत की, इंडिया की मस्जिद यानी कि भोपाल की ताजुल मस्जिद, जिसका असली नाम ताजुल मस्जिद है। और ये है एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद। जी हाँ दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर यानी कि जो इसकी वास्तुकला है वो मुग़ल काल से प्रेरित है और ये पूरी तरह से पत्थर से ही बनी है। ये इसका मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार, और यहीं से एंट्री मिलती थी पहले, लेकिन ये अभी बंद है। तो भाई साहब ये देखिए, ये यहाँ पे है और एक तालाब भी बना है बीच में, वहाँ पर भी एक तालाब है लेकिन वो अभी ऐसा यूज़ करने के लिए नहीं है, नॉर्मल यहाँ पे चल रही है नमाज, तो फिलहाल उधर जा नहीं सकते। तो अब क्या ही बताएं, मतलब इतनी पहली बार इतना सुंदर मस्जिद कहीं या फिर इतना सुंदर स्ट्रक्चर देखा है मैंने, तो काफ़ी बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पर एक पेड़ है, आम का पेड़ है, यहीं के मतलब इसी के नीचे खड़ा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे चलने में अपने पैर जल रहे हैं क्योंकि धूप पड़ी है। और ये है फाइनली पूरी मस्जिद। इसकी सबसे अच्छी खास बात पता है आपको, इसकी वास्तुकला मतलब इसका जो निर्माण है, संरचना है, वो बेहतरीन है। मतलब ऐसा तो कहीं देखने को मिल ही नहीं सकता, इतना व्यवस्थित तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। अभी तक का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा ताजुल मस्जिद को देखने का। अगर आप भी ताजुल मस्जिद घूमने के लिए आना चाहते हैं तो आ जाइए, मतलब आ जाइए क्या, एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत अच्छी मस्जिद है। और सबसे बड़ी बात तो एशिया की और हमारे इंडिया की और MP और यानी भोपाल की सबसे बड़ी मस्जिद है, तो एक बार ज़रूर देखना बनता है। तो अभी चलिए चलते हैं बाहर, क्योंकि मस्जिद को अंदर से तो बहुत ही अच्छी तरीके से देख लिया है। और अगर आप आ रहे हैं कहीं से भी, आ जाइए देखिए घूमिए बढ़िया से। गाइस फाइनली अब मैं बाहर आ गया हूँ, तो अब इसके बाहरी परिवेश यानी कि जो बाहरी वातावरण है उसको देख लेते हैं। अंदर जाकर तो बहुत ही अच्छा लगा, आना ही चाहिए आपको, ज़रूर आएँ, ज़रूर एक बार तो ज़रूर घूमें ताजुल मस्जिद को। तो क्या है कि ये शुरुआत होती है और ये स्ट्रक्चर बना है इसके साथ में, और ये बना है, और ये पीछे से कुछ ऐसा दिखता है ताजुल मस्जिद का जो फिर बैक है। तो चलिए आगे चल के भी देख ही लेते हैं फिलहाल में। फाइनली अभी हम कहाँ घूम रहे हैं, ताजुल मस्जिद के पीछे यानी कि ताजुल मस्जिद है उसी के पीछे हैं, और काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर है ये। तो और ये है अपना तालाब वाला एरिया, यहीं पर है मोतिया तालाब, तो उसे भी देख लो, यहाँ पे घर वगैरह बने। तो अभी तो बैक मतलब पीछे भी देख लिया है, कुछ ज़्यादा खास नहीं था, तालाब के पास में ही था। अब चलते हैं डायरेक्ट बाहर की तरफ, है ना। और ये पूरा पत्थर ही पत्थर से बना है जालीदार। नज़ारा आ रहा है बैक साइड से यानी पीछे से, तो मतलब क्या ही कहें, ताजुल मस्जिद के बारे में तो मज़ा ही आ जाता है अगर कोई देखने जाए तो। यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये है पाइप यानी कि जो पत्थर का पाइप है वो ही है। जनरली पत्थर का पाइप बनाने में सोचिए आप कितना मुश्किल काम होता होगा। तो अभी टाइम हो गया जाने का, तो मज़ा ही आ गया, ज़रूर आना चाहिए, मतलब आइए आप ज़रूर आइए मस्जिद को घूमने। और फिलहाल तो मस्जिद ये है और ये इसका है
जो पार्क वगैरह बने हैं आगे यही है, काफ़ी अच्छा एरिया है आगे भी, तो अब चलना चाहिए। बाहर से अंदर आएंगे तो आपको कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। यहाँ से एंट्री मिलती है और ये यहाँ से डायरेक्ट अंदर जाने का रास्ता है और ये पूरे का घूमने का है। तो भाई साहब बस करते हैं, आई होप कि यह मस्जिद आपको अच्छी लगी, अच्छी तो लगनी ही चाहिए। आए घूमने लें सुंदरता का लाभ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। गाइस क्या ही कहें इस मस्जिद के बारे में, तो घूम लिया है सब कुछ, बेहतरीन से भी बेहतरीन है। ज़रूर आइए आप। अब जाना है घर। और ये है कौन सी हमीदिया हॉस्पिटल, मतलब कि हमीदिया हॉस्पिटल जिसको अब गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल भी कहते हैं, यानी ये कॉलेज भी है एक।